हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, 26 दिसंबर यानी गुरुवार को साल 2019 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो 296 सालों के बाद यह सूर्य ग्रहण अजीबोगरीब वाला है। मित्रों, पहले 7 जनवरी 1723 को ऐसा ही दुर्लभ सूर्य ग्रहण देखा गया था। मित्रों, यह सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा। सूर्य का 97% हिस्सा चंद्रमा की रोशनी पर पड़ेगा। पौष मास की अमावस्या इस बार गुरुवार के दिन है और इसी दिन यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण सुबह 8:17 से 10:57 तक लगने वाला है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण पर आपको बताना चाहेंगे कि यह भारत में दिखाई देगा, जिसकी वजह से सूतक का असर भी रहेगा। ग्रहण के एक दिन पहले ही सूतक का असर शुरू होगा, यानी कि 25 दिसंबर की शाम 5:33 से सूतक शुरू होगा, जो कि अगले दिन सुबह 10:57 सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद ही यह समाप्त तो होगा। मित्रों, इस बार सूतक का विशेष महत्व दिखा गया है। कई तरह के कामों को सूतक लगने के बाद हिंदू धर्म में नहीं किया जाता। अशुभ समय सूतक के समय को माना जाता है। मूल नक्षत्र में 4 ग्रह ग्रहण के दिन जब रहेंगे, जबकि सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शनि और केतु धनु राशि में रहेंगे। साथ ही राहु की पूर्ण दृष्टि इन 6 ग्रहों पर होगी। बुध और गुरु इसमें अस्त रहेंगे। यह ग्रहण कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। मंदिरों के कपाट भी इस ग्रहण के दौरान बंद रहेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप सूर्य ग्रहण के दौरान नए कामों का शुभारंभ न करें। भोजन बनाना व खाना सूतक के समय वर्जित होता है। इस दौरान देवी देवताओं की मूर्ति और तुलसी के पत्ते को हाथ न लगाएं। भगवान का ध्यान करें और भोजन ग्रहण करने के समय आपको एक बार उच्चारण मंत्रों का अवश्य करना है। घर पर गंगा जल का छिड़काव ग्रहण कर ग्रहण के समाप्ति के बाद करें। मित्रों, जो भोजन सूतक काल से पहले बना हुआ हो, उसमें तुलसी के पत्ते डालकर उसे शुद्ध किया जा सकता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।